नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी की पोजिशनल बेसिस। ठीक है, इंट्राडे पे जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको वही फॉलो करना है। सेम जो यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, इससे अच्छा इंट्राडे आप ऐसी कैंडल में जो भी गैप अप गैप डाउन के साथ बने उसमें सिंपल होता है, उसका हाई मार्क कीजिए, उसका लो मार्क कीजिए। 16,480 इसके ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो आपको एक गैप फिल होने का पूरा क्या कहते हैं प्ले करने को मिलेगा। 16,624 तक आपको डेफिनेटली निफ्टी आता हुआ मिलेगा। और इन केस ये लो टूटता है 16,340 तो इसके नीचे पक्का आपको 16,150 तक के टारगेट खुल जाते हैं और 200-250 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब गैप डाउन होता है, गैप अप होता है या फ्लैट खुलता है, ये हमको कल ही पता लगेगा। बट जो रिवाज है मंडे का, जो ट्रेंड बना हुआ है मंडे को, पिछले आप क्या कहते हैं एक से डेढ़ महीना लगभग 45-5-6 मंडे आप उठा के देखेंगे तो हमेशा गैप डाउन ही ओपन होता है, हमेशा गैप डाउन ओपन होता है मंडे वाले दिन, ठीक है, खासतौर पर। चलिए आइए हम लोग अपना पोजिशनल व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लगभग एक घंटे से करीब स्टडी कर रहा था तो जो चीज मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूंगा। देन एंटिसिपेशन के बेस पे हम लोग पोजिशनल बेसिस कहाँ से प्ले कर सकते हैं, देन दूसरा एंट्री हम लोगों को क्या रहेगी, और इन केस ऐसा जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसे वैसा नहीं होता है तो हमारा प्लान बी क्या रहेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं लास्ट वीक में जो हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वीकली चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, जिसमें एक कैंडल आपकी एक वीक को दिखाती है, उसमें निफ्टी ने अपने 50 EMA को ब्रीच किया, 50 EMA को ब्रीच किया। और 50 EMA मान लीजिए आपकी बहुत ही बहुत बड़ा सपोर्ट है, दैट टू ऑन वीकली। और ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 16,650। तो जो हमारा व्यू था लास्ट वीक को, मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। 16,800 अबव मार्केट रहे तो आप बाई ऑन डिप्स करिए, ठीक है। 16,800 बिलो, हम सेल में घुसे थे कहां से, 780 के नीचे से, इसके बिलो रहे बढ़िया पैसा बना, हमने बुक कर लिया। हाँ, जो गैप डाउन हुआ वो मेरी रिकमेंडेशन नहीं थी कि आप गैप डाउन में मतलब कैरी करके जाइए, ठीक है। इसके नीचे रहे जब तक 16,800 के नीचे है, आप ये मान के चलिए मार्केट सेल ऑन राइस का, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और ये वो लाइन निकल के आती है ये, ठीक है, ये जो जोन आप ये समझ लीजिए इसके नीचे है पाताल लोक, ठीक है। और ऊपर जब जब यहां पे इस, ये देखिए पूरा शूट अप मारता है 16,800 से, तो 16,800 इसने तीसरी बार तोड़ा है। क्या बोला मैंने, 16,800 इसने, आप देखेंगे एक तो यहां टूटा था जिसमें लो लगा था 16,400, ठीक है, और वीकली बेसिस पे तो दूसरी बार ही टूटा है भाई। एक ये आपको कैंडल दिखेगी जो 16,800 के नीचे क्लोज हुई थी, और एक ये वाली कैंडल है पिछले वीक की जो 16,800 के नीचे क्लोज हुई है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे 16,800 ये दूसरी बार ही ब्रेक हुआ है, ओनली सेकेंड टाइम। एक यहाँ पे ब्रेक हुआ था, एक यहाँ पे ब्रेक हुआ था। जब यहाँ पे ब्रेक किया था तो इसने हमको लो दिखाया था 15,670 और हम लास्ट वीक में क्लोजिंग हुए कहाँ पे, 16,411, ठीक है। इस 16,411 में एक चीज देखने वाली जो है वो ये कि इसने इस वाले लो के ऊपर क्लोज किया, ठीक है, ये जो लो लगा था। तो ये है मोटा मोटा सीन सिनेरियो जो यहाँ पे बना हुआ है। अब आ जाते हैं कि हम आगे क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपको याद होगा, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो, ठीक है, यहाँ पे ये जो बी है, ठीक है, मैं इसमें कन्विंस नहीं हूं क्योंकि ये कोई वो नहीं है, कोई ऐसा क्या कहते हैं उसे, बी वेव नहीं है, जो जानते हैं देखते हैं ये छोटा सा बन के कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा है। अब ऐसा ना होने के कारण हुआ क्या है, ये जो बी वेव नहीं बनी है, ऐसा ना होने के कारण क्या हुआ है, ये डायरेक्टली गिरता चला गया है, ठीक है। और आज की डेट में जहां पे 16,400 पे है, ये ऊपर से ही यहां तक डायरेक्ट गिरते हुए ओवरसोल्ड की टेरिटरी में चला गया,
ठीक है, ओवरसोल्ड की टेरिटरी में चला गया। आप इसके लिए देखें तो स्टोकास्टिक देख सकते हैं, वो बिल्कुल ओवरसोल्ड दिखा रही है। विलियमसन इंडिकेटर देख सकते हैं, वो बिल्कुल ओवरसोल्ड दिखा रहा है। देन आप पीसीआर देख सकते हैं, वो भी आपका ओवरसोल्ड होने की कगार पे है। देन आप आरएसआई चेक करिए इनके साथ, कि जब ये यहां पर पहुंच जाते हैं तब आरएसआई क्या दिखा रही है। तो ये पूरा जो मिला के सिस्टम बन रहा है, एक छोटा सा पुल बैक ना आने के कारण यहीं पे इसको ओवरसोल्ड डिक्लेयर कर दे रहा है। डिक्लेयर क्या कर दे रहा है, ओवरसोल्ड की टेरिटरी में ले आया है। अब ओवरसोल्ड की टेरिटरी में ये है तो ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकता है। एक होती है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन, ठीक है, जो कि यहां पे बन गई थी। आप यहां पे देखेंगे मैंने स्टॉक की भरमार लगा दी थी, आपको याद होगा तो मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लगभग कम से कम 10 से 15 आपको ऑप्शन कॉल डाल के दे दिए थे सीधा चैनल पे। ये मार्च के मंथ की ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा ही सीन सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है अगर निफ्टी आपका 16 मंडे को 16,000 से 16,100 के आसपास दिख जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीजें क्या बनती हैं, क्या नहीं बनती हैं, क्या ट्रेड रह सकते हैं, मैं पूरा का पूरा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, क्योंकि इसके बीच में आके मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता 400 से 500 पॉइंट की तेजी पर। ये मैं मिस नहीं करना चाहता, जो कि मुझे डेफिनेटली देखने को मिलेगी, डेफिनेटली देखने को मिलनी चाहिए। 92-95% आई एम श्योर अगर मंडे को 16,000 से 16,100 मिलता है, या मान लीजिए 16,150 भी मिलता है, आप यहां से मंथली मे की सी बाय एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना, चाहे 16,500 की शुरू कर देना, ठीक है, 16,500 और 16,000 तक आप उसको एक्यूमुलेट करते रहना, ठीक है। 16,150 पे बाय करिए, 16,100 पे बाय करिए, 16,000 पे बाय करिए, इनफैक्ट हो सकता है 15,950, क्योंकि 200-250 पॉइंट की जगह रहेगी, वो थोड़ा रेंग रेंग के सरक सरक के आ सकता है, ठीक है। वहां से 400 से 500 पॉइंट की रैली है, और मुझे जो लगता है, जो अगर मंडे को 16,100-16,150 दिखाएगा, तो डेली चार्ट में जो भी तेजी में एंटीसिपेट कर रहा हूं आएगी, वो ये गैप फिल करने के लिए आएगी, ठीक है, ये गैप फिल करेगी 16,624, ठीक है। तो ट्रेंड हमारा डाउन साइड का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये पूरी वेव ऐसे नीचे की तरफ से बन के ऐसे कंटिन्यू करेगी, और अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है 15,300 का, वो हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यही मेरे दिमाग में है, ठीक है। और ट्रेंड, आप बोले कि भैया क्या मार्केट तेजी कर सकता है, आप कुछ यूट्यूब की देख रहे होंगे, यूट्यूबर को वैसे मेरे दिमाग में भी आया, ऐसी नहीं है भाई, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप ये टॉप से टॉप मिलाते हुए चलते हैं तो भैया ये पैटर्न भी एक बन रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और मैंने एक्चुअली मैं इसको पहले नहीं देख रहा था, ये इसको मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था, इसको ध्यान देना मैंने तब चालू किया है जब ये पूरी वेव 16,800 को तोड़ गई, और कोई भी इस पूरी इंपल्स का करेक्शन, कोई भी इस पूरी इंपल्स का करेक्शन 50% से ऊपर का नहीं आया जनरली, जबकि ऐसा नहीं होता है एबीसी पैटर्न। ये वेव आपकी जाती है 50% 61% जाती है, तो इट माइट बी पॉसिबल, देर इज ए चांस कि ये यहां से 15,700-800 से एक ऐसे हेड एंड शोल्डर बना सकता है। यहाँ पे जो टॉप है वो 18,600 कुछ का है, और यहाँ जो लो लगा था वो 16,400 कुछ का लगा था, तो ये पूरी 2200 पॉइंट की गिरावट थी। तो ये जो शोल्डर है ये पूरे 2200 पॉइंट का है, तो हो सकता है यहाँ से 2200 पॉइंट देख के 18,114 का टॉप है अपना, 15,900 के आसपास आके यहाँ से सीधा हेड का एक शोल्डर बना सकता है, और ये लो को टेकन आउट ना करे। इट इज ए, मतलब क्या कह सकते हैं, ये पैटर्न बन सकता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये 2200 पॉइंट की शोल्डर है पूरा, अगर ये हेड एंड शोल्डर को आप काउंट करेंगे तो ये पूरा शोल्डर 2200 पॉइंट का है, तो ये भी हो सकता है यहाँ से 2200 पॉइंट की एक गिरावट दे के ये टॉप से, और ये ऐसे टच करके सीधा जंप मार दे, क्योंकि यहां पे देखेंगे आप, यहां पे आपको दिखा है ये पैटर्न, देखिए ये आया है, राइज आया है, तो यहां पे भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं एक 400 से 500 पॉइंट का राइज पक्का आएगा
डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। मंडे को अगर आपको 16,000 से लेके 16,150 के बीच में मिले, डेफिनेटली बाय करता है, डेफिनेटली बाय करना है, सेल नहीं करना है वहां पर, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट में मैं रहूंगा, आपको समझाऊंगा। तो ये फिलहाल सीन सिनेरियो बनता है, यहां से जो ऊपर जाएगा तो हमारी जो टारगेट रहेंगे, यहां से बाइंग के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 350, 16,480 एंड 16,600। ये तीन टारगेट के लिए हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो गैप फिल होगा, अगेन गाड़ी फिर नीचे की तरफ ही आनी चाहिए और इस लो को टेकन आउट करना चाहिए। बट ये डायरेक्टली अगर कोई सोच रहा है कि ये गिरते 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 इस लो को सीधा टेकन आउट कर लेगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। इसको एक राइज देना ही देना है 400 से 500 पॉइंट का, तभी ये लो टेकन आउट कर सकता है। और अब तक दे देना चाहिए थे, अब तक टेक्निकल के नियम के हिसाब से इसको यहां से एक राइज दे देना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था। देखिए आप, देख लीजिए आप, इसमें नहीं आया ऐसा, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे, ये चीज ये नहीं है यार। ये देखिए ना आप, ये बहुत छोटी रेंज है, 400 ये इतनी बड़ी रेंज नहीं है, ठीक है। ये ऐसे आना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाके आना चाहिए था, बट एनीवे, ठीक है। एक चीज मैंने भी देखी है यहाँ पे, आप अगर आप देखेंगे तो यहां से ये पैटर्न भी बना, ठीक है, ये पैटर्न भी बना। यहां पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना भाई, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ। तो कुल मिला के बात यही आती है, मंडे को हमें तैयार रहना है। गैप डाउन होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहली बात तो गैप डाउन होते ही सेल में नहीं घुसना है। आपको कुछ नहीं मिलेंगे, 40 से 50 पॉइंट आप मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वहां पोजिशनली सेल में बैठ जाइए और SL लगा लीजिए 16,150, इसके नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। तो मंडे और ट्यूजडे का ही गेम है जो मैं रिवर्सल का देख रहा हूँ, 400 से 500 पॉइंट की रैली का, जो मैं रिवर्सल का देख रहा हूँ 400 से 500 पॉइंट की रैली का। अगर मंडे और ट्यूजडे दोनों दिन 16,150 के नीचे क्लोज कर जाता है तो SL हिट हो जाएगा, और मुझे जो लगता है ये इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल की तरह लग रहा है 16,150 के नीचे की दोनों दिन इसके नीचे ही क्लोज कर दो। यहां से डेफिनेटली एक ऊपर की तरफ मार्केट जूम करना चाहिए। तो यही दिमाग में है, यही हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक स्टॉक एक दो वीडियो बनाता हूँ, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।